SJS Enterprises, वन ऑफ़ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री जिसमें डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक सारा काम ये खुद ही करते हैं ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी 1987 में इनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें 11 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं इंक्लूडिंग क्रोम प्लेटेड पार्ट्स एस इंडिया की टॉप थ्री डेकोरेटिव एस्थेटिक्स प्लेयर्स में आते हैं बाई रेवेन्यू और अभी तक 123 ट्वेंटी थ्री मिलियन पार्ट्स इन्होंने सप्लाई करे हैं इनके पास 6000 हजार एस के यूज है एस के यूज मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिसमें ये लोग अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं और ये लोग वेरियस इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स केटर करते हैं इनके मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इनके पास दो मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है बैंगलोर में और पुणे में जो कि टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड स्क्वायेयर फीट है और सिक्सटी एट थाउजेंड थ्री फिफ्टी स्क्र फीट है रिस्पेक्टिवली इनके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इनके 175 प्लस कस्टमर लोकेशंस हैं अक्रॉस 22 कंट्रीज इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जैसे डी एंड बॉडी ग्राफिक्स थ्री डी लक्स बैजेस टू डी एप्लीक्यूल्स एंड डायल्स थ्री डी एप्लीक्यूल्स एंड डायल्स डोम्स एल्यूमिनियम बैजेस क्रोम प्लेटेड एंड पेंटेड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इनके क्लाइंट्स देखें तो की क्लाइंट्स में आते हैं ओ मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफेक्चरर्स जैसे बजाज ऑटो टी वी एस मोटर्स रॉयल एनफील्ड होंडा मोटरसाइकिल एम एन एम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हैं वर्लपुल पैनासोनिक सैमसंग मेडिकल डिवाइस मैनुफैक्चर है सच एज सेंसाको सैनिटरी वेयर मैनुफेक्चर सच एज कैब्रिट अभी इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फोर्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट टू व्हीलर सेगमेंट से आता है थर्टी पॉइंट फाइव पैसेंजर व्हीकल से आता है 18.5 कंज्यूमर अपलायसेस एंड 9.5 अदर्स बाकी इन्होंने रिसेंटली एक्जोटिक प्लास्टिक्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया था जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है क्रोम प्लेटेड प्रिंटेड एंड पेंटेड इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स फॉर टू व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा और इनके अक्रॉस अक्रॉसटी लोकेशन में बेचे जाते हैं इंडिया में और इस एक्विजीशन की मदद से इनका क्रोम प्लेटिंग का बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा और इनके मैनेजमेंट ने बोला है की अराउंड वन थाउजेंड मिलियन रुपीज का केपेक्स प्लान करने वाले है ये लोग अगले अठारह से चौबीस महीनों तक और जब फुल कैपेसिटी में काम शुरू होगा तो इनके रेवेन्यू थ्री थाउजेंड मिलियन रुपीज तक जा सकते हैं ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है और आर ओ सी ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा हो सकता है एट फुल कैपेसिटी अभी इनके कुछ रिस्क की बात करें तो पहला है कंपटीशन रिस्क कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से आता है और अगर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे तो इनका मार्केट शेयर लूज हो सकता है और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता दूसरा है। दूसरा मेजर रिस्क है कस्टमर रिस्क अगर इनके की कस्टमर्स चले जाते हैं तो इनके बिजनेस पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है सो so, ये थे इनके कुछ मेजर रिस्क अभी बात करते हैं क्वार्टर टू एफ ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेवेन्यू देखे तो 17.3 परसेंट से अपे ईयर ऑन ईयर एबेटा देखे तो 24.5 परसेंट से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 30.7 परसेंट से ग्रो हुआ है तो काफी अच्छा क्वार्टर रहा है इनका बाकी इस क्वार्टर के बिजनेस हाइलाइट्स देखे तो इनके की कस्टमर एडिशन हुआ है जैसे स्कोड़ा एटमबर्ग जॉन डिस्टिलरीज और ये लोग ईवी वी के साथ भी काम कर रहे हैं टू तो फुलफिल ईवी कंपनीज डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बाकी ये लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जैसे एलुमिनेटेड लोगोज कवर ग्लास टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा अभी देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी का मार्केट कैप है 1,483 करोड़ तो हम बोल सकते हैं अभी स्मॉल कैप कंपनी है स्टॉक का पी चल रहा है 24.5 और इंडस्ट्री पी अगर हम देखे तो 24.6 तो लगभग फेयरली वैल्यूड हम बोल सकते हैं आर ओ सी परसेंट अच्छा है आर 15.5 परसेंट नॉट बैड फाइव ईयर सेल्स ग्रोथ काफी कम है थ्री ईयर सेल्स ग्रोथ भी काफी कम है तो सेल्स ग्रोथ में ज्यादा हमें अच्छे नंबर से नहीं दिख रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो थर्टी वन परसेंट के काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन अभी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है और सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्टीन परसेंट का ग्रोथ हमें दिख रहा है इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है मार्जिन तो काफी अच्छा है जैसे मैंने बोला थर्टी परसेंट अनु काफी बढ़िया मार्जिन इनके नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा है कंपनी अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो तो डेट में, में तो जनरेट हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो फोर्टी टू करोड़ और आज की डेट में नाइन्टी टू करोड़ तो डबल से भी ऊपर हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है ग्रोथ में मार्जिन तो काफी अच्छा है थर्टी वन एंड अब नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है काफी अच्छे से बढ़ रहा है बट ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो फाइव ईयर्स एट परसेंट है और कंपाउंडेड प्रॉफिट सेवन परसेंट काफी कम है बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो, है रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है नाइनटीन परसेंट फाइव ईयर थ्री ईयर सिक्सटीन परसेंट और लास्ट ईयर फिफ्टीन परसेंट नॉट बैड अभी आता है बैलेंस शीट पर तो शेयर कैपिटल कॉन्स्टेंट है अच्छी बात है रिजर्व अगर हम देखे तो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे से अकूमिलेट हो रहा है बढ़ रहे रिजर्व बोरइंग्स की बात करें तो बोरिंग्स काफी कम है रिजर्व की तुलना में बोरिंग्स कुछ भी नहीं है तो हम बोल

एक्विजेशन ऑफ कंपनीज लोन्स टू सब्सिडरीज एंड अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ठीक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स बोरिंग्स भर रहे अपनी इंटरेस्ट भर रहे डिविडेंट्स भी दे रहे ओके okay. तो इसके वजह से नेट कैश फ्लो जो है काफी कम है नेगेटिव में और छोटी कंपनी है तो आपको छोटी कंपनियों में नेट कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं दिखेगा जनरली रेशोज तो, की बात करें तो डेटो डेज इंप्रूव हो रहा है इन्वेंटरी डेज इंप्रूव हो रहे कैश कन्वर्जन साइकिल स्टेबल बोल सकते हैं कैपिटल डेज बढ़ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी परसेंट अराउंड ट्वेंटी परसेंट इनका आर ओसी है जो की अच्छी बात है अभी आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कंपनी के पास काफी अच्छा पॉइंट थर्टी सेवन परसेंट का स्टेक है, FII's है है भी इन्वेस्टेड इसमें पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत स्टेक इन्होंने ऐड किया डीआईज ने DIs ने लगभग तीन परसेंट से कम किया है और डीआईएस में देखते हैं कौन कौन इन्वेस्टेड है एक्सिस म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सनराइज मेरा एसेट है काफी अच्छे एफ तो गोल्डमन सैच देखते इन्वेस्टेड है बहुत बढ़िया अभी देखते हैं टेक्निकल तो नवंबर 2021 में इनका आई आया था और फिर काफी हमें करेक्शन देखने मिला तो लगभग 540 से गिर के थ्री पे रुका फिर यहाँ से धीरे धीरे हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें नजर आ रहा है और हायर राइज हायर लोज ये चार्ट बना रहा है बाकी आप देख सकते हो ये जो जोन है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है 510, 500 का लेवल जो है मेजर रेजिस्टेंस है बाकी शॉर्ट टर्म चार्ट देखे तो काफी अच्छे से हायर राइज हायर लोज बना रहा है ये जो बेस है तो इस चैनल में चल रहा है अच्छे से बट ये जो फाइव हंड्रेड का लेवल है ये क्रॉस नहीं कर पा रही है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है बट यहाँ पे अगर हम देखे तो फिफ्टी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके धीरे धीरे चल